ये है बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। आज जो प्रेस वार्ता बुलाई है, ये जो सामूहिक विवाह 16 जनवरी 2022 को आपकी संस्था के द्वारा किया जा रहा है और जिसमें आप संयोजक के रूप में कार्यरत हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे बताइए। इसमें यही कहना है कि हम लोग 16 जनवरी 2022 को जो सामूहिक विवाह करने जा रहे हैं वो आवर हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के द्वारा कर रहे हैं, जिसके अध्यक्ष हमारे आदित्य पोद्दार जी हैं। इनका हम लोगों का प्रोग्राम जो है, पिछली बार भी हम लोगों ने कराया था सामूहिक विवाह, तो हम लोगों का ये था कि गरीब बच्चों की सामूहिक विवाह जो है कराएं, तो उससे समाज में गरीब बच्चे का उत्थान भी होगा। उन लोगों को हम लोग चूँकि ये भी कोशिश करते हैं कि शादी के बाद अगर उनको नौकरी की ज़रूरत हो या किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो उसमें भी हम लोग हेल्प करने की कोशिश करते हैं। और हम लोग जब शादी करते हैं तो उस समय उनको जितनी चीज़ें घर चलाने के लिए गृहस्थी की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें हम लोग उनको देने की कोशिश करते हैं। हमारे हेल्पिंग हैंड के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी लोग कुछ कुछ सहयोग करते हैं, उनके सहयोग से सारी चीज़ों का इंतजाम हो जाता है और हम लोग उनको बच्चों को सबको देते हैं। इस अवर हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के अंतर्गत जो ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, इसके अंदर हमारे शहर के जो हमारे मंत्री श्री सतीश महाना जी हैं वो इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। हमारे शहर में निर्मा कटियार जी मंत्री हैं वो भी आएंगे। हमारे सांसद महोदय श्रीमान पचौरी जी भी आएंगे और इसमें महापौर जी के भी आने की बात है। तो इस कार्यक्रम में गरीब बच्चों को इतने बड़े बड़े लोगों का आशीर्वाद मिलेगा जो कि वो लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि इस ढंग से भव्यता के साथ कर सकें। हम लोग करोना काल में, जो करोना फिर से सुन रहे हैं कि आने जा रहा है, थोड़ा थोड़ा आ भी गया है, तो उसकी पूरी बचाव को देखते हुए हम लोग कम से कम भीड़ लगा करके और अच्छी से अच्छी करोना की जो गाइडलाइन है उसको पालन करते हुए इनकी सामूहिक विवाह बहुत बढ़िया से कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसमें हमारे यहाँ के जितने भी मेंबर्स हैं सभी लोग अपना भरपूर सहयोग दे रहे हैं। ये कार्यक्रम के पहले हम लोग 15 तारीख को, उसके एक दिन पहले, जैसे लड़कियों की मेहंदी लगवाना है मेहंदी लगवाएंगे, शाम के टाइम में जो संगीत संध्या होती है वो भी करवाएंगे। मतलब वो जिस घर में जो लोग शादी कर रहे हैं उनको कतई ये समझ में नहीं आएगा कि शादी को जो है हम लोग जो है कहीं सामूहिक